अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो देखी होगी जो मैंने आज से दो दिन पहले चढ़ाई है, तो ये अभी दोबारा से वीडियो बना के चढ़ा रहा हूँ जिसमें कीड़ा भी पैदा हो चुका है जो लार्वा हैं। तो ये अभी तीन दिन इसकी एज है तकरीबन, तो ये अभी चूज़ों को डालने के लायक है। तो मकसद ये था कि आप लोगों को, क्योंकि बार बार ज़्यादातर दोस्त अब आप यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि कैसे कीड़ा पैदा किया जा सकता है, ये सबसे आसान तरीन हल है कि आप जो इनके नीचे से वेस्ट निकलती है उसी वेस्ट के ऊपर पानी का छिड़काव करें और उसे बाहर कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे मक्खियाँ बैठे हैं, मक्खियाँ उसे अंडा देती हैं, अंडे से कीड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो ये तीन दिन का है, वैसे तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि चार से पाँच दिन वाला कीड़ा जो होता है ना वो कम्फर्टेबल होता है, साइज़ अच्छा हो चुका होता है उसका। तो ये सिर्फ बना के वीडियो चढ़ाने का मकसद आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये उबले हुए चावल के बराबर है तकरीबन, तो ये चूज़ों को भी डाल सकते हैं, तित्तर के बच्चों को, उसके चकोर के बच्चों को और इसके अलावा मोर के बच्चों को डाला जा सकता है, या ग्राउंड बर्ड जो कीड़ा खाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सोर्स है। उन्हीं की वेस्ट में से आप फिर निकाल के ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसे। और ये अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीरीज़ जो मेरी आ रही है उसमें इसको मल्टीपल यूज़ करके और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप लोगों के सामने, इससे कंपोस्ट बनाने का तरीकाकार और यानी कि जो पौधों की खाद है वो बनाने का तरीकाकार इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियोस भी मैं वक्तन फक्तन बनाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि मकसद जो है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप लोग प्रॉपर उसके ऊपर अबूर हासिल कर सकें। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, हम लोग अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लें तो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और कोई काम भी नामुमकिन नहीं है, हर काम पॉसिबल है। तो जैसा कि ये अभी आप लोगों के सामने कीड़ा यानी कि तैयार है, ये चूज़ों को डालने के लिए रेडी है। और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो मेरा नंबर ऊपर तीनों नंबर मेरे फ्लैश कर रहे हैं, ये मेरे तीनों नंबर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं एक नंबर दिया करता था पर अभी मैंने तीनों नंबर यानी कि नेट पे देना शुरू कर दिए, ताकि जो भी बंदा जिस नेटवर्क को यूज़ कर रहा है वो उसके हिसाब से मुझे कॉल कर सके। और बाज़ों का दोस्त अब आपका गिला होता है जी व्हाट्सएप वाला काम जो होता है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हज़ारों की तादाद में डेली मैसेज आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जिनको रिप्लाई किया जाए रिप्लाई कर सकते हैं रिप्लाई किया जाए, बाकी मज़ीद आगे जो एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखना पड़ता है। ये अभी आपके सामने चूज़ों को डाला है, चूज़े यानी कि अभी इसको खा रहे हैं, ये मेरा जो अभी 16 दिन का ऑस्ट्रेलोप का चिक है उसको डाला है। ये भी सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह जो चीज़ बना के किस तरह हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बेसिक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग खुद से वो काम कर पाएँ जो हम लोग मुश्किल समझते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो ये भी आप लोगों के सामने अभी है, ये चूज़ों को डाला है, चूज़े तो दो मिनटों में इसे इनको खा पी गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैंने काफ़ी क्वांटिटी में तैयार कर रहा हूँ, तो फिर उसमें इंशाल्लाह ताला आपको चेक करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।